हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ प्लेनेट जू। तो भाई आज हम फिर से खेलने वाले हैं प्लेनेट जू। और भाई एक भाई है हमारे गेमिंग वर्ल्ड करके, भाई कमेंट आ रहे हैं उनके दबा के कि भाई प्लेनेट जू के अंदर, अपने जू के अंदर भाई एक लायन लेके आओ भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो अपने जू के अंदर एक लायन लेके आएंगे प्रॉपर। तो भाई चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं गेम को। ओके गाइस, हमारे देखो जू के अंदर एंट्री हो चुकी है भाई। ये अपना प्यारा सा जू है भाई। यहाँ पे हमने थोड़े बहुत जो एनिमल लिए थे वो एनिमल बैठे हुए होंगे। ये रे भाई, ठीक है भाई, एक ये एनिमल देखो क्या नाम है भाई इसका, इसका एबियोना नाम है भाई। ठीक है, आर्टवर्क जो भाई हमने दो लिए हुए थे, एक यहाँ बैठा और एक और होगा भाई आसपास कहीं पे। एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे है भाई एक और दूसरा हमारा आर्टवर्क भाई। एक ये बैठा भाई, ये रहा ये रहा भाई, ये सो रहे हैं भाई, रात हो चुकी है ना भाई, इसलिए सो रहे हैं। बाकी इनकी हैबिटेट वगैरह देख लो भाई, सब कुछ सही है हमारी, बिल्कुल सेट मामला है। ओ भाई इनको ग्रास की दिक्कत हो रही है भाई, एक मिनट को ट्रेन पे जाकर भाई थोड़ी सी ग्रास दे देता हूँ भाई। इनको ग्रास चाहिए भाई, शॉर्ट ग्रास, थोड़ी सी इनकी शॉर्ट ग्रास बढ़ा दी जाए भाई। यहाँ पे लो भाई, ग्रास बढ़ चुकी है, ठीक है, प्रॉपर होगी ग्रास अब ठीक है। हाँ ठीक है, लो भाई अब शॉर्ट ग्रास ही पूरी कर दी भाई इनकी मैंने, ठीक है। सैंड 0% हो गया भाई, इनको सैंड भी चाहिए भाई, थोड़ी सी सैंड दे देते भाई इनको। ये लो भाई सैंड दे दी है, सोइल भी है पूरी, और भाई हमारे प्लांट्स भी है, कवरेज भी पूरी है, प्लांट्स भी पूरे हैं, ठीक है। और एनरिचमेंट स्प्रिंकलर एक ही लगा हुआ है भाई, ये और मांग रहे हैं शायद एनरिचमेंट भाई, और एनरिचमेंट इनको दे देते हैं। हैबिटेट पे चलते हैं एक बार, एनरिचमेंट इनकी कंप्लीट कर देता हूँ भाई एक बार फटाफट से ना। तो भाई देखो ये सारे टॉय लगते हैं हार्डवर्क के लिए। रबिंग पैड लगा देता हूँ भाई एक यहाँ पे ना, ये अपना रब कर लेंगे अपने आप को ना। एक रबिंग पैड लगा देते हैं इस साइड, ये लो भाई एक रबिंग पैड लगा दिया। तो भाई देखो आर्टवर्क का तो हमने दोनों का कर दिया, ठीक है प्रॉपर। ये एक आर्टवर्क तो नहा के भी आ गया भाई, इसके अंदर से भी नहा रहा था यहाँ पे, तो अभी भी निकला है, ठीक है। आर्टवर्क का देखो हमने प्रॉपर ये पूरा बन चुका है। और ये भाई देख लेते हैं क्या हो रखा है यहाँ पे, क्या हो रहा है भाई। हाई अमाउंट ऑफ लीटर भाई, लो ये लीटर है भाई। साफ कौन कोई कर नहीं रहा साफ भाई, मेरे लगे कहाँ गए वो बंदे साफ सफाई करने वाले भाई। एक मिनट मैं देख लेता हूँ भाई बंदा कहाँ गया, मेरा स्टाफ है भाई यहाँ पे यार, साफ सफाई करने वाला मेरा प्रॉपर। गेरा भाई केयर टेकर यार, गेरा भाई केयर टेकर एक भाई, मेरे को लग रहा है ना यहाँ पे हमें थोड़े से ना केयर टेकर और लेने पड़ेंगे, तो मैं केयर टेकर और दे देता हूँ यहाँ पे ना थोड़े से। ये लो भाई यहीं पे दे देता हूँ एक दो, साफ सफाई कर दो भाई केयर टेकर हो। हाँ भाई देखो केयर टेकर हो भाई, ये साफ करने लग गए भाई, दो केयर टेकर और दे दिए भाई मैंने। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर साफ सफाई करने लग गए मेरे को भाई, थोड़ा सा केयर टेकर घर वगैरह बनाना पड़ेगा, तो केयर टेकर घर बनाते। देखो भाई ये देखो जो रेड एरिया ना, ये गेस्ट के लिए नेगेटिव इंपैक्ट है, और इसे रेड एरिया में देखो गेस्ट हमारे जा नहीं पा रहे, क्योंकि भाई इस पे हमारे सिर्फ स्टाफ चल सकता है, स्टाफ पाता है ये। तो भाई यहाँ पे ना केयर टेकर का एक दो घर और बना देता हूँ, केयर टेकर का घर छोटा है यहाँ पे ना, तो बड़ा घर बना देता हूँ एक बार स्टाफ फैसिलिटीज पे। और कीपर हट, और भाई इंडिया की भी कीपर हट है भाई यहाँ पे, इंडियन कीपर हट लगाते हैं बड़ी वाली। ये लो भाई एक इंडियन कीपर हट लगा दिया यहाँ पे मैंने बड़ी वाली। अब यहाँ पे प्रॉपर लोग ये जो इतने भी हमारे कीपर है ना वो रेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए एक कीपर हट बना दी मैंने सही बढ़िया सी। और भाई यहाँ पे साफ सफाई चल रही है, फुल साफ सफाई हो रही है, धीरे धीरे साफ सफाई अगर हो जाएगी अपने। और भाई अपने को और क्या करना है, एक भाई इनके लिए फैसिलिटीज भी लगा देते हैं भाई यहाँ पे ना, खाने पीने की फैसिलिटीज लगाने के लिए, गैस फैसिलिटीज भाई ये रहा। ओ भाई सुबह हो गई भाई, सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब सुबह हो जाती है। तो भाई इसमें देख लेते हैं बढ़िया सी कोई फैसिलिटी किस चीज की है भाई। ये पिज्जा पेन, हाँ भाई पिज्जा की लगा देता हूँ एक फैसिलिटी यहाँ पे, पिज्जा की लगा देता हूँ। लो भाई पिज्जा लगा दिया भाई, ठीक है प्रॉपर, ये देखो बढ़िया पिज्जा लग गया यहाँ पे। एंड लोग भाई खाना पीना भी कर लेंगे यहाँ पे हमारा। और भाई सबसे बड़ी बात है तो कूड़ा बहुत गिराना है ना, उनका कूड़े का भी जुगाड़ कर ही देता हूँ ताकि कूड़ा गिराए ना आगे से। तो ये एक बिन है ना अफ्रीका का, ये लगा देता हूँ अफ्रीकन बिन, ये भी अफ्रीकन बिन है, ये अच्छा लग रहा है ज्यादा, ये लगा देता हूँ। एक यहाँ सेंटर में लगा देते हैं, ठीक है। एंड एक ही यहाँ लगा देते हैं सेंटर में, ताकि भाई जो कूड़ा है ना कूड़ा ना हो कुछ भी ना। एक यहाँ लगा देता हूँ। ओए एक मिनट, ओए हमारे आर्टवर्क के बेबी हो गए भाई, ओए ओए छोटा बेबी आया भाई आर्टवर्क का, अकांक के नाम है भाई इसका। ओ ये कब हुआ? ओ भाई हमारे आर्टवर्क तीन हो गए भाई, अब एक नया बेबी आया आर्टवर्क। और भाई देखो स्विमिंग कर रहा है ये वाला आर्टवर्क, देखो स्विमिंग कर रहा है भाई साहब। ये तो बढ़िया था यार, मैंने देखो पता भी नहीं था ये ऐसा कुछ होता है भाई। अब चलो अब यह बनाना शुरू करते हैं अपना लायन का, ठीक है। तो भाई मैं लायन का सोच रहा हूँ ना किस साइड बनाऊँ, ये सोच रहा हूँ। एक ऐसा करते हैं ना, इस साइड बनाते हैं लायन का, थोड़ा जो मतलब डेंजरस टाइप एनिमल होंगे ना, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा धाड़ते वाड़ते होंगे डेंजरस टाइप एनिमल, उनका ना इस साइड बनाया करेंगे कुछ भी जो भी बनाया करेंगे ना। तो लायन का इधर बनाता हूँ प्रॉपर एक। तो भाई फटाफट से रस्ते बना लेते हैं, पहले पाथ बनाते हैं इधर की साइड थोड़ा सा जाने का, या फिर पहले ना वो बना देता हूँ हैबिटेट बना देता हूँ, उसके बाद पाथ वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हैबिटेट वगैरह बना देते हैं। तो बैरियर्स लेते हैं और गेट पे जाते हैं, और गेट हमारा कौन सा लेंगे हम भाई, ये वाला गेट ले लेता हूँ मैं, हैबिटेट गेट, ठीक है। और इसको यहाँ पे यहीं पे ऐसे लगा देते हैं यहीं से, क्योंकि ये जो जितना भी ये होगा ना फैसिलिटीज वाला, तो ये यहीं से जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ लगा दिया मैंने। एंड अब मैं फटाफट से यहाँ पे पूरा एक अपना वो बनाता हूँ एनिमल का ना। यहाँ पे कौन सी वुड लग, कौन सा लग रहा है, ब्रिक्स लग रही है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स लगाएं या फिर ग्लास लगाएं,
देखना पड़ेगा वो चीज हमें। तो इस साइड तो ब्रिक्स ही लगा देता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे पूरा कर्व बनाएंगे एक, और यहाँ पे बनाते हैं ब्रिक्स विद ग्लास भाई। अब यहाँ पे बनाते हैं स्टील मैश, ये बढ़िया है भाई, स्टील मैश बनाते हैं प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे यार स्टील मैश कर्व नहीं होती क्या? अरे यार स्टील मैश कर्व नहीं हो सकती, तो पहले मेरे को ब्रिक्स से कर्व वगैरह वो कर्व वाला पूरा ऐसे प्रॉपर बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक बार ना। पहले हैबिटेट अपनी पूरा बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे बाद में। अब लगाते हैं यहाँ पे स्टील मैश ऐसे, यहाँ से लोग भाई लाइंस देख पाएंगे हमारे प्रॉपर ना। अब यहाँ से सीधा सीधा ऐसे जुड़ जाएगा ये, देखो भाई प्रॉपर ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। अब इधर से तो ऐसे दिखेंगे, इधर से स्टील मैश से दिखेगा, और इधर वाला ये मैं बंदी कर दूंगा, ये दिखेगा ही नहीं यहाँ से कुछ, यहाँ से ये सारा बंदी हो जाएगा कि यहाँ से कुछ दिखे ही ना इनको, क्योंकि यहाँ से कोई रास्ता वगैरह कुछ भी नहीं निकालने वाला मैं, तो इसको फटाफट से बंद कर देते हैं। अब सही लग रहा है ना ये देखो एरिया, इसको भी अपडेट कर देता हूँ मैश में। ये देखो भाई ये स्टील मैश में कन्वर्ट हो गया प्रॉपर, अब देखो काफी सही एरिया लग रहा है भाई। अब यहाँ पे अपन पूरे लाइन लेके आ जाएंगे। अब देखो भाई मैं इसको ऐसा करूंगा, पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ये ऐसे पूरे अपन जितना भी ये बड़ा बनाया ना मैंने, सारे को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक का। एंड भाई अब इसकी बढ़ा देंगे हाइट, क्योंकि भाई जो हमारा शेर है ना वो भाई आर पार कूदते हैं, इसलिए इसकी हाइट बढ़ानी भी जरूरी है। इसी कर देंगे 5 मीटर ही कर देता हूँ पूरी। लो भाई साढ़े इतनी मीटर बड़ी, इतने बढ़िया कर दिया भाई मैंने। देखो यहाँ पे अब प्रॉपर हमारा जो है भाई लाइन आएगा लाइन। और अब दूसरा काम क्या करना है हमें, यहाँ पे लेना है पाथ, ठीक है, और ये लेना स्टाफ पाथ, एंड इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है स्टाफ पाथ को। तो भाई स्टाफ पाथ भी कनेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। और भाई अब क्या करना है, पहले तो भाई एक बार वो एनिमल ट्रेडिंग पे जाके अपने लायंस खरीद लेते हैं। ये रे भाई वेस्ट अफ्रीकन लायन, ये रे भाई लायंस, भाई साहब क्या तगड़े लग रहे हैं भाई लायंस। तो भाई एक लेडी और एक मेल लेंगे बस, एक लेडीज और एक मेल लेंगे बस, ज्यादा कुछ नहीं लेंगे हम। तो एक ये लेडी ले लेते हैं एंड एक ये मेल ले लेते हैं, ठीक है। एक लेडीज और एक मेल ले लिया मैंने यहाँ पे प्रॉपर। और अब उनको पहले यहाँ पे क्वारंटाइन करवा देते हैं, ठीक है। तो इनको क्वारंटाइन करवाता हूँ, रुको एक मिनट, पहले ना ये आ गए हमारे दोनों ट्रेड सेंटर में, सेंट टू जू और कांगे क्वारंटाइन, ये रहा भाई। तो भाई फटाफट आओ बंदे। और तो ये देखो ये पहुंच गया भाई, ये यहाँ से पेटी उठाएगा, एक ये पहुंच गया, ये पेटी उठा लेगा और इनको क्वारंटाइन करवा देगा। तो भाई दोनों की क्वारंटाइन हो गई पूरी। एंड भाई अब इनको बारी है भाई अपने यहाँ पे भेजने की, इनका जो एरिया बनाया था, तो भाई इनको यहाँ पे भेज देते हैं फटाफट से। तो भाई दोनों मूव हो जाएंगे, ठीक है, और ये चला जाएगा, दोनों आ जाएंगे भाई यहीं से। हाँ भाई दोनों आ गए, तो भाई दोनों चले गए इधर। और भाई हमारा ना एक जो लाइन है ना वो भाई शायद फीमेल वाली लाइन जो है ना भाई वो बीमारी बीमार है, उसको शायद कुछ हुआ है। ये क्या हो रहा है भाई, प्लेयर क्या कह रहा है भाई, एजुकेशन और हंगर की शिकायत आ रही है भाई लोगों की। तो भाई एक बार तो भाई पहले एजुकेशन और हंगर करते हैं। टू वेट कैन नॉट रीच हैबिटेट पॉसिबिलिटी ड्यू टू वर्क जोन सेटअप, हैबिटेट में लोग वो हमारे वो नहीं आ पा रहे, वेट नहीं आ पा रहे, तो भाई उनका भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक जो है ना उसकी तबीयत खराब हो रखी है। तो भाई इसके अंदर वर्क जोन के अंदर ना एडिट करना पड़ेगा ये वाला वर्क जोन, मुझे एडिट वर्क जोन, और भाई ये वाला भी लगाओ इसके अंदर ही, ये लगाओ भाई इसके अंदर, ठीक है भाई ये हो गया। एंड भाई अब आ जाएंगे यहाँ पे आराम से लोग, हमारे वेट वगैरह जो भी वो आ जाएंगे। तो देखो भाई ये तो धाड़ने लग गया और इसकी शायद तबीयत भी खराब है, एक ये हमारा ना ये देखो ये इंजर्ड है ये, तो अभी आएगा वो वैत आएगा और वो ले जाएगा इसको, इंजर्ड है क्योंकि ये, इसको मैं वैत को बोल ही देता हूँ, आ जा भाई ले भाई कॉल वैत, वैत को मैंने बुला दिया, वो आ जाएगा इसको ले जाएगा क्योंकि भाई ये इंजर्ड है और इसको ठीक कर देगा। तो भाई अब हम ना दूसरे वाले जो लाइन है वो कांगे दूसरा लाइन भाई टिकट बढ़ाने ही कह रहे हैं भाई गेस्ट, तो भाई टिकट बढ़ा देते हैं, रुको टिकट ये रही भाई टिकट बढ़ा देते हैं $12 किलो भाई, और बच्चों की $8 कर देता हूँ। हाँ लो भाई बच्चों की $8 कर दी, टिकट भाई मैंने बढ़ा दी क्योंकि भाई गेस्ट कहते हैं अंडर प्राइस है टिकट। भाई सीरियस इंजरी, और सीरियस इंजरी क्या हो गया, ये भी मार है भाई, ये भी बीमार है, इसको क्या हो गया, एक और वैद्य आ गया भाई, वो इसको भी ले जाएगा अब। चलो ले जाएगा कोई नहीं, अपन यहाँ पे अपना काम करते हैं। तो भाई अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या बनाना है इनके लिए, तो वो बनाते हैं। हैबिटेट में क्या दिक्कत आ रही है भाई, ले भाई ये इसको भी ले गया। तो भाई पहले इन दोनों को आ जाने दो, फिर इनका हैबिटेट बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है। ओके सो गाइज हमारे देखो दोनों लाइन वापस आ चुके हैं, ठीक ओके। तो भाई देखो ये बिल्कुल ठीक हो गया, और भाई दूसरा वाला जो है उसकी भी दिखा देता हूँ। हाँ भाई ये भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। एंड भाई एक दिक्कत और आ गई इन लाइन को, तो बाद में देखते हैं। ये जो है ना भाई ये इसके अंदर नहीं सोते, इनकी जो बेडिंग है ना वो थोड़ी वैसी है छुपके सोने वाली, तो इनकी यार वो बेड बनाते हैं छुपके सोने वाला, तो फटाफट से ना वो बेड देख लेता हूँ मैं कहाँ मिलेगा। तो भाई देखो एक ना ये ऐसे मतलब ये कुछ ऐसा है, देखो ये मड सा, तो ये मड लगानी पड़ेगी यहाँ पे अंदर की साइड ना, तो ये उस पर सोएंगे आराम से अच्छे से ना, इस पर सोते नहीं यहाँ पे, बाहर तो ये सोते नहीं है, अभी बाहर ही को थोड़ा मतलब छुप के सोने की आदत है, तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ी सी लगा दी। देखो अभी ये प्रॉपर सो पाएंगे वहाँ बेडिंग वगैरह। तो ये एक बार एकदम से भाई डेंजर सा आया कुछ, एनिमल हैज एस्केप्ड भाई, कौन सा एनिमल है एस्केप, ओ ये लाइन ऊपर चढ़ के आ गया भाई, वैट को कॉल लग चुकी है भाई, एक मिनट भाई, ओ ये क्या हो गया भाई, ओ एक मिनट रुको भाई, एनिमल सारे पैक करो भाई। ये भी देखो दूसरा भी शायद चढ़ेगा, देखो ये दूसरा भी चढ़ेगा
भाई इसको बॉक्स में करो पैक, ये चलो ये बॉक्स में हो गया पैक। और इसको भाई देखो, इसको वैट ने कर लिया, वो उठा लिया वैट ने, और इसको भी अंदर डालेंगे भाई, ये लोग वापस डालेंगे। ओ ये क्या हुआ भाई, भाई ये इसके ऊपर से क्लाइम कर पा रहा है भाई एनिमल हमारा। भाई हमें चेंज करना पड़ेगा, रुको भाई बैरियर, ये वाला बैरियर नहीं लगा सकते भाई यहाँ पे हम। भाई हमें बैरियर दूसरा लगाना पड़ेगा, ये रहा भाई नॉट क्लाइमेबल, भाई क्लाइम नहीं करने वाला, ऐसा बैरियर लगाना पड़ेगा हमें। ठीक ये इलेक्ट्रिक वाला लगा देता हूँ भाई, ये भाई इलेक्ट्रिक वाला लगाते हैं यहाँ पे। ये क्लाइमेबल है, हाँ ये क्लाइमेबल नहीं है भाई, ये देखो ये लगा दिया भाई मैंने यहाँ पे। अब ठीक है, वो तो अंदर चला गया, इसको तो लेके जाओ कोई अंदर भाई, इसको तो अंदर डाल दो कोई भाई। देखो गया अंदर, गया अंदर, गया अनबॉक्स भी हो गया। अब ठीक है भाई, भाई बाहर निकल गया था भाई सब। अब ठीक है, तो अब भाई फटाफट से इनका ना ये हैबिटेट को सही करते हैं। तो हैबिटेट को सही करने के लिए इनका भाई इनको थोड़े से टेरेन चाहिए भाई, इनको मतलब थोड़े से पहाड़ टाइप एरिया चाहिए। तो भाई इनका पहाड़ टाइप एरिया बना देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो बनाते हैं ये रहा टेरेन स्टैम्प टूल, पिरामिडिकल बना देते हैं कुछ यहाँ पे। ये क्या बन गया, ओए ओए इतने बड़े बड़ा कुछ नहीं बनाना था, वापस करो कंट्रोल जेड। ये क्या बनता जा रहा है भाई, ठीक है। तो एक जैसे ये है यहाँ पे, एक ऐसे प्रॉपर बना देंगे इसको। अच्छा ये ऐसे कुछ बनेगा भाई, देखो ऊंचा ऊंचा ऊंचा, तब जाके कुछ होएगा भाई यहाँ पे। तो ये बनाना पड़ेगा भाई ऐसे यहाँ पे ना। तो भाई अब तो 23% ट्रेन बना है हमारा, कुछ जो भी बना है अभी तो और बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बनाता हूँ थोड़ा सा इसको भाई, इनको थोड़ा मतलब पार्ट टाइप एरिया चाहिए होता है भाई रहने के लिए ना, उस हिसाब से एरिया बनाना पड़ेगा हमें प्रॉपर। देखो कुछ इस टाइप से भाई मैंने यहाँ पे ऐसे पहाड़ पहाड़ से बना दिया, और भाई और भी बना देता हूँ यहाँ पे ना इसको, पहले इसको भी ऐसे पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा ही अच्छा अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, थोड़ा ये ऊंचा ऊंचा था। तो भाई ये देखो मैंने पूरा इनको पता नहीं कितना बड़ा ऐसे देखो एक बेड टाइप यहाँ पे एरिया बना दिया, और इसी पे इनका ना घर बना दूंगा यहाँ पे। भाई हमें थोड़े से मैकेनिक भी हायर करने पड़ेंगे, कि देखो शिकायत आई है कि भाई जो हमारा बैरियर है ना वो डैमेज हो रहे हैं, तो भाई मैकेनिक हायर करने पड़ेंगे। तो भाई दो मैकेनिक भी हायर कर लिए मैंने, ठीक है। और इन दोनों मैकेनिक को काम देते हैं भाई हमारे वर्क जोन वन में। मैकेनिक कहाँ गए अभी, तो हायर करें ये रे दोनों मैकेनिक, दोनों को वर्क जोन वन में काम करना है भाई। लो भाई दोनों को वर्क जोन वन में काम दे दिया, और ये दोनों काम पे लग गए भाई। वॉल सारी रिपेयर हो जाएगी अब थोड़ी देर में, ठीक है। एंड इधर का जो है भाई ये सीन समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये शेरों का मैंने काफी सही कुछ बहुत कुछ करने की कोशिश तो कर ली, इनका हैबिटेट सही नहीं हो रहा। हैबिटेट देखो 54% दिखा रहा है। और भाई शेल्टर दे देते हैं इनको एक बार, एक तो पहले शेल्टर बनाते हैं इनका ना। तो भाई हमें जाना है हैबिटेट में, और भाई जाना है बेड पे, और भाई आर्ड वर्क को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इधर चलते हैं, कोई हार्ड सा शेल्टर देना पड़ेगा इनके लिए हमें, बढ़िया सा तगड़ा सा। वेस्ट अफ्रीकन लाइन के हिसाब से देखो ये सारे हैं भाई, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो, वेस्ट अफ्रीकन लाइन के हिसाब से हैं सारे। तो भाई अपन ये वाला लगा देते हैं, ये मेरे को अच्छा लग रहा है दिखने में ना, ये वाला घर लगा देता हूँ वेस्ट अफ्रीकन लाइन का, ठीक है। तो और ये लगाऊंगा बिल्कुल यहाँ। ओए वेस्ट अफ्रीकन लाइन इज अबाउट टू मेट भाई, ओए इनका भी शेर का भी नया बेबी आने वाला है क्या भाई, भाई हमारे शेर का भी नया बेबी आने वाला है भाई। ये तो बहुत जल्दी जल्दी मेट कर लेते भाई, भाई साहब हमारे शेर का भी नया बेबी आने वाला है भाई, मजा आ गया तो सुन के। और भाई अभी हमने पॉज कर दिया गेम भाई, मैं ना इनका पानी वानी का भी जुगाड़ करता हूँ। तो भाई मैं ना यहाँ पे एक ना पानी का थोड़ा सा वो बनाने वाला हूँ, इधर जो है ना सारा आगे सारा पानी पानी होगा, ऐसा एरिया बनाने वाला हूँ। ये देखो भाई ये मैंने पूरा डीप कर दिया यहाँ पे ऐसे पूरा, और भाई यहाँ पे आप भर देंगे पानी, ठीक है। तो ये क्या है भाई, काम वाटर या रफ वाटर, काम वाटर भरेंगे ना। ये देखो भाई पूरे में भर दिया मैंने पानी इतना, देखो शेर के लिए हमारा हो गया पानी भी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक तो लगाना है शेर के लिए खाने का भाई अपना, ठीक है। तो खाने का भी कर देते हैं फटाफट से, फीडिंग स्टेशन। तो फीडिंग स्टेशन ये रहा भाई, फूड ट्रे लार्ज भाई, बड़ी वाली फूड ट्रे लगाते हैं यहाँ पे। लो एक फूड ट्रे भी लगा दी भाई मैंने, बड़ी पानी का भी जुगाड़ कर दिया इनका। और भाई इनका बेड बनाना है, बेड बन चुका है यहाँ पे, पूरा बेड बन चुका है देखो इनका अंदर अंदर, और इसके अंदर भी लगाना है क्या ये कुछ। तो भाई इसके अंदर भी हैबिटेट बेडिंग लगा देते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज हैबिटेट बेडिंग लगा देता हूँ मैं इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये लो भाई ये सारे हैबिटेट बेडिंग लगा देते हैं अंदर की साइड, क्योंकि भाई इस पे ना ये शेर जो है ना ये सो पाएंगे अच्छे से, ये इसलिए इनके लिए ऐसे लगाए जा रहा हूँ लगा रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई पूरे में हैबिटेट बेडिंग भी लगा दी मैंने, ठीक है। और हैबिटेट पूरा प्रॉपर तैयार कर दिया इनका हैबिटेट मैंने। अब हैबिटेट में जो है भाई इनका थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या कमी रह गई है, वो उस हिसाब से लगा देंगे बाकी चीज़ें। तो देखो ये हैबिटेट कंप्लीट हो गया, 67% हो गया हैबिटेट, बाकी 100% कर देंगे इसको आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोशल पूरा ही है, वेलफेयर धीरे धीरे हो जाएगी, एनरिचमेंट रह रही है भाई, एक बार एनरिचमेंट और लगाते हैं इनके भाई। तो हैबिटेट पर जाके खेलने का सिस्टम और लगाओ इनका भाई। तो ये लगाओ भाई एक, तो ये देखो यही लगा दिया बिल्कुल सामने खेलने का भाई, ये लोग देख के भाई, इनको लोग देख के ना खुश होते हैं चीज़ें ना, तो इसलिए ऐसे लगा देता हूँ ये कि यहाँ पे लगा देता हूँ ऊपर। और बताओ भाई और क्या करना है, एनरिचमेंट भाई कितनी हो गई, फूड एनरिचमेंट होगी भाई, अब तो एनरिचमेंट लगानी है यहाँ पे प्रॉपर इनकी। तो भाई एक तो यही लगाना है वाटर स्प्लैशर, तो ये यही लगा देता हूँ, लो वाटर स्प्लैशर तो लो एक, और भाई एक और लगा देते हैं ये वाला, ये यहाँ लगा देते हैं भाई। लो हो गया भाई 100% भाई, देखो एनरिचमेंट भी 100% हो गई इनकी, ठीक है। और भाई अब ट्रेन पे जाके देखते हैं भाई, ट्रेन में भाई इनको भाई जो जो चाहिए वो चीज़ बना दो फटाफट फटाफट। भाई इनको चाहिए ग्रास शॉट,
देखो यार भाई भाई शेल्टर बोल रहे छोटा है, और भाई हमारा जो दूसरा आर्टवर्क है ना, जो बच्चे वाला आर्टवर्क है वो भाई बड़ा होने वाला है। ये भाई मैसेज आया देखो यहाँ पे, और भाई ये कह रहे शेल्टर जो है ना भाई इनका छोटा है भाई, तो ये बड़ा शेल्टर भी लगाना पड़ेगा, तो भाई इनका शेल्टर चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। और भाई ग्रास लगानी है छोटी वाली यहाँ पे, तो ग्रास भर देता हूँ ये पूरे में, ऊपर ग्रास भर देता हूँ, ऊपर बहुत कम ग्रासेस है। तो भाई देखो ग्रास भर दिया, सोइल ज्यादा हो रखी है तो सोइल भी कम करने के लिए और भर देते हैं यहाँ पे ग्रास पूरे में, ताकि जो सोइल का इशू खत्म हो जाए मेन हमारा। सोइल भी बिल्कुल सही आ गई है, ग्रास ज्यादा हो गई भाई, तो अब हमें सोइल थोड़ी सी और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो भाई सोइल थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं, साइज कम कर देते हैं, ये सारा सोइल बनाते हैं यहाँ पे सारे में, सोइल वगैरह कर देते हैं तो ग्रास हमारी कम हो जाएगी। भाई हमारा एडवर्क मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया भाई एडवर्क। फीडिंग स्टेशन कैन नॉट बी रिस्ट, यहाँ पहुंच नहीं पा रहा भाई बंदा हमारा। ओके तो भाई हमारा बंदा नहीं पहुंच पा रहा ऊपर। तो भाई देखो ना ये जो हमारे जितने भी मतलब ये ऐसे देखो एकदम से खड़ा हो गया ना, तो यहाँ पे भाई ना शेर ऊपर जा पा रहे हैं और ना ही हमारे फीडर्स फीड करने के लिए ऊपर जा पा रहे हैं, तो इनके लिए भाई हमें थोड़ा सा ना फ्लैटन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्मूथ वाला ले लेते हैं और थोड़ा सा साइज इंटेंसिटी का साइज कम करते हैं, और भाई इसको स्मूथ करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं यहाँ से ना ये सारा, हमें देखो स्मूथ स्मूथ करके ना पूरा ऐसे निकालना पड़ेगा रास्ता यहाँ पे कि ऊपर चढ़ सके लोग। ये देखो ऐसे पूरा ना स्मूथ करना पड़ेगा मुझे ताकि ये ऊपर चढ़ सकें। तो भाई देखो मैंने ना ये थोड़ा सा ऐसे फ्लैट सा कर दिया यहाँ पे ना, और सेम यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब ये देखो ऊपर साइड देखोगे थोड़ा सा ऐसे फ्लैट सा कर, तो यहाँ से ना ऊपर चढ़ सकेंगे लोयन वगैरह भी हमारे, और ये हमारे जो कीपर है ना ये भी ऊपर चढ़ सकेंगे, और ऊपर चढ़ के आराम से फीडर में जाके सामान डाल सकेंगे। जैसे ये देखो ये लोयन भी चढ़ गया ऊपर, और भाई इनका रहने की जगह भी बन गई घर पे, और देखो अभी हैबिटेट वाला भी दिक्कत भी खत्म हो गई होगी। हाँ देखो हार्ड शेल्टर भी इनको प्रॉपर मिल गया, ठीक है हैबिटेट भी इनका प्रॉपर हो गया, अब 93% हैबिटेट हो गया इनका भाई। और हमारा नया बेबी भी आने वाला है लायन का, और भाई हो गया भाई हो गया, नया बेबी हो गया भाई लायन का हमारा है। कहाँ पे दिख नहीं रहा, आ तो गया पर दिख नहीं रहा, ऑफस्प्रिंग तो दिखा रहा है भाई बेबी नहीं दिख रहा कहाँ है। एक बार भाई सुबह हो जाने दो, उसके बाद दिखेगा, तो सुबह होने का वेट करते हैं फटाफट से। तो भाई आ गया भाई, ये रहा ये रहा ये रहा भाई हमारा लायन का बेबी। ओए दो बेबी आए हैं भाई, ओ भाई दो बेबी आए हैं, ये फीमेल है भाई, इसका नाम क्या है नॉर्बिज, और भाई ये क्या है, ओ भाई ये मेल है भाई जबुलानी भाई, एक कपल आ गया भाई प्रॉपर भाई हमारा। ओ भाई बढ़िया भाई, एक तो भाई दो बेबीज आए हैं भाई प्रॉपर, अभी धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे भाई, क्या भाई ये तो गजब की बात होगी भाई। और भाई फीडर में भाई क्वांटिटी है 20 किलो भाई, कोई खाना डाल क्यों नहीं रहा, हैबिटेट गेट पे मैंने फूड क्वालिटी भी भाई मैंने सेट कर रखी है, कोई खाना डाल ही नहीं रहा के यार। ये भाई देखो ग्रेड 3 फूड क्वालिटी भाई, आओ डालो ठीक है भाई। तो भाई ये देखो घर में भी चले गए देखो सोने के लिए, देखो घर भी बनाए जो प्रॉपर इनका यूज हो रहा है, और अपना जो था भाई बढ़िया चल गया। और ये देखो यहाँ से लोग देख भी रहे लाइन को भाई, अब भाई दिक्कत है यहाँ पे एजुकेशन वगैरह की, तो भाई लाइन की एजुकेशन वगैरह दे देते हैं। और भाई जो ये पाथ है ना इसको ही थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, हमारे पाथ भी हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा ताकि लोग आ रहे हैं भाई तो देख तो ले कम से कम लाइन देख तो पाए अच्छे से। तो भाई ये पाथ ना मैं अभी ये देखो अलग टाइप से बनाने वाला हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे इस पाथ को, एक मिनट गाइस इसको ऐसे लेते हैं एंड भाई यहाँ से इसको घुमा देंगे थोड़ा सा। ये देखो भाई मैंने थोड़ा सा ऐसे ऊंचा उठा दिया ताकि लोग ऊपर से भी देख सके भाई प्रॉपर लाइन को ना, देखो बिल्कुल पास से ऊपर से ऐसे देख पाएंगे लाइन को भाई प्रॉपर लोग, ठीक है। एंड अब यहाँ से इसको वापस से नीचे उतार देंगे, बाद में जब आगे हम कुछ भी बनाएंगे तो यहीं से ऐसे पूरा कनेक्शन देके इसको नीचे उतार देंगे। यार ये काफी मतलब यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको ठीक कर देता हूँ, एक मिनट रुको फटाफट से इसको ठीक कर देते हैं। ये यहाँ से ऐसे एंड यहाँ से इसको नीचे उतार देते हैं यहीं से, एंड ये हो गया कनेक्ट ठीक है, और इसको कर दे यहाँ से डिलीट। तो देखो भाई ये प्रॉपर लाइन का भी देखो क्या मस्त पाथ बन गया यहाँ पे जाने के लिए भी बढ़िया सा ना। और भाई अब हम लगाते हैं यहाँ पे एक इनका एंटरटेनमेंट का सिस्टम, तो भाई पहले एंटरटेनमेंट का सिस्टम लगा दिया जाए, तो एंटरटेनमेंट का सिस्टम लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा भाई फैसिलिटीज में, एंड फैसिलिटीज में होगा यहाँ पे एंटरटेनमेंट का भाई ये रहा व्यूइंग डिवाइस एंड स्पीकर। तो भाई ये लगाते हैं फटाफट से एंटरटेनमेंट सिस्टम इनका, तो हैबिटेट एनिमल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, हाँ ये लगाना है हमें यहाँ पे, एक यहाँ लगा देता हूँ ताकि भाई जहाँ भी लोग हैं ना वहीं से देख पाए लोग इसे, ठीक है। एंड एक यहाँ लगाता हूँ कि ये लो भाई दो लगा दिए मैंने, ठीक है। और एक भाई स्पीकर भी लगाते हैं बड़े बड़े यहाँ पे, ये रहा मल्टी स्पीकर, ठीक है एक यहाँ लगा दिया एंड एक यहीं रख देता हूँ, और एक भाई ऊपर भी लगा देता हूँ कि जो लोग ऊपर होंगे वो स्पीकर सुन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे LED नहीं लगा रहा मैं, ठीक है। तो इसके ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, तो लो भाई स्पीकर भी रख दिए प्रॉपर, और भाई इनको स्टार्ट कर देता हूँ स्पीकरों को। तो ये आ गया नो म्यूजिक की जगह पे, यहाँ पे लगाना है भाई हमें अफ्रीका प्लेलिस्ट। अबे तो म्यूजिक चला रहा है, म्यूजिक नहीं चलाना भाई, ये इसके बारे में बताए भाई वो लगाओ यहाँ पे, ये तो म्यूजिक चला रहा है, चलो कोई नहीं म्यूजिक ये है ना वहाँ पे जो बताएगा इनके बारे में। तो और यहाँ पे म्यूजिक चला देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ये लगा दिए एक और LED एंड यहाँ पे चला दिए म्यूजिक, ठीक है। और ये LED चालू नहीं हुई भाई,
क्या दिक्कत है भाई, एलईडी चालू करो यार। ये एलईडी चालू क्यों नहीं हुई भाई? अच्छा यहाँ पे पावर नहीं है भाई, यहाँ पे ना एक पावर स्टेशन भी बनाना पड़ेगा, तो प्रॉपर ना पावर स्टेशन वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता है भाई इसमें ना, तो उस हिसाब से पूरा पावर स्टेशन भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे, वो बनाएंगे बाद में ठीक है। फिलहाल तो भाई यार देखो हमारा पावर सिस्टम जो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक, और ये इधर नहीं बनाऊंगा भाई, यहाँ पे ना एक ऐसे पाथ निकालते हैं ठीक है, जो भाई हमारा सिर्फ स्टाफ पाथ होगा उससे बना देंगे यहाँ से, ऐसे छोटा सा निकालूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं निकालना मैं ये, यहाँ पे ऐसे एंड ऐसे, ये ऐसे स्टाफ पाथ निकाल दिया यहाँ पे मैंने, मतलब यहाँ पे अपन जो और हैबिटेट वगैरह बनाएंगे तो उनका स्टाफ के घर वगैरह भी यहीं पे बना देंगे, पास के पास रहेंगे घर वगैरह। और भाई यहाँ पे आप लगा देते हैं फटाफट से अपना वो बिजली का, ताकि भाई बिजली आ जाए यहाँ पे प्रॉपर, तो भाई ये रही फैसिलिटीज, और भाई ये रहा बिजली का पावर हमारा जनरेटर। और ये आप लोग कहोगे भाई जनरेटर यहाँ क्यों लगाया, तो भाई जनरेटर गंदा इंपैक्ट डालता है हमारे गैस के ऊपर, तो भाई इसलिए यहाँ पे लगाना पड़ा मुझे बिल्कुल लास्ट में। तो ये लो भाई यहाँ पे जनरेटर लग चुका है, एंड देखो भाई यहाँ पे बिजली आ गई जनरेटर लगते साथ, और ये भाई एलईडी चालू हो चुकी है हमारी, गाने भी चालू हो चुके हैं, और भाई खाना डाल दिया लोगों ने भाई, खाना पूरा डाल दिया भाई, साफ सफाई चल रही है यहाँ पे प्रॉपर, और मतलब सही है अब हमारा सारा कुछ ना यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, स्टाफ भी भाई चल रहा है, और भाई शेयर भी भाई देखो बढ़िया चल रहे हैं यहाँ पे, देखो 100% है सारा कुछ इनका, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है यहाँ पे हमारे, 100% आ रहा है सब कुछ। ट्रेन में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, रोक की और ग्रास लॉन्ग ग्रास ज़्यादा और रोक कम है, तो भाई ये भी कर देता फटाफट से, टेंशन ना लो तुम, 2 मिनट लगेंगे भाई मेरे को। तो भाई यहाँ पे ना हमें एक तो रोक बनाने हैं, और भाई थोड़ी सी छोटी ये ग्रास जो है ना लॉन्ग वाली वो कम करनी है, तो भाई रोक बना देते हैं यहाँ पे, ये रे रोक भाई ठीक है, और रोक मैं यहाँ बनाऊंगा इसके ऊपर, ये सारे रोक वाला एरिया बना देते हैं यहाँ पे प्रॉपर, इन्वायरमेंट इनका भाई बढ़िया है, रोक का काम पूरा करते हैं, और भाई थोड़ा सा सजाएंगे भी बढ़िया से, सजाएंगे इसको अच्छे से ठीक है। अब यहाँ पे रोक थोड़े से स्मूथ वाले भी लगा देते हैं, ये भाई देखो सारा रोक की एरिया बना दिया मैंने यहाँ पे ना प्रॉपर, और ये मैं कुछ मेरे को लगता है शायद मैं यहाँ पे पानी भर सकता हूँ, नहीं भर सकता क्या? नहीं भर सकता भाई, यहाँ पे पानी नहीं भर सकता, वहाँ भर सकता तो पानी वहाँ पे ही भर देता। तो लो भाई रोक ले लो या फिर यहाँ प्रॉपर ना रोक ही लगा देता हर जगह यहाँ पे। तो भाई देखो लॉन्ग ग्रास भी खत्म होगी, रोक की एरिया पूरा बढ़िया तरीके से बन चुका है हमारा यहाँ पे। हाँ 2% मैंने सैंड रख दिया है, ये लगा के देखता हूँ गाइस अगर इनको पसंद आता है कि नहीं आता है, ज्यादा ऊंचा तो नहीं लगाएंगे, थोड़ा नीचे यहाँ पे लगा के देखता हूँ ऐसे। भाई पसंद तो आया भाई इनको, तो एक पेड़ तो वहाँ लगा दिया मैंने बड़ा सारा, एंड एक यहाँ लगा देता हूँ, अरे तो बाहर लगा है अंदर लगाना है, तो एक यहाँ लगा दिया भाई अंदर की साइड ठीक है, एंड एक और लगा देते हैं यहीं पे अंदर की साइड यहाँ पे। तो देखो भाई कितने सारे पेड़ लगा दिए मैंने यहाँ पे ना, ये देखो कि पेड़ पीछे 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 जो है ना ये पेड़ अच्छे लग रहे लगे हुए, तो इनको और लगाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पीछे लगे हुए ना काफी अच्छे लग रहे देखो घर के आसपास, तो और लगाएंगे इन्हें यहाँ पे। ये देखो भाई कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये अलग से लग रहे हैं पेड़ भाई, तो ये पेड़ प्रॉपर लगा दिए यहाँ पे भाई मैंने बढ़िया बढ़िया। और भाई अब थोड़ा सा इनका ना डेकोरेशन वगैरह भी कर देते हैं यहाँ पे पानी में ठीक है, ये भाई ये इनको पसंद आएगा नहीं आएगा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, पहले लगा लेते हैं। तो भाई ये झाड़ी आ गई तो ये लगा के देखता हूँ यहाँ पे, तो भाई ये झाड़ियाँ लगा देते हैं आगे आगे साइड थोड़ी सी ना, इस साइड झाड़ी वगैरह भी लगा देते हैं, ताकि थोड़ी मतलब दिखने में अच्छा सा लगे ये एरिया। तो भाई ज़्यादा कवरेज नहीं करेंगे, ज़्यादा कवरेज करेंगे तो भाई शेर गुस्सा हो जाएंगे हमारे। तो देखो भाई मैंने ना कुछ इस टाइप से यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह लगा दी है, और ये काफ़ी सही लग रही हैं, ये देखो थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे जंगल टाइप एरिया बना दिया, थोड़ा सा इनका झाड़ी लगा दी और तो पूरा पीछे पेड़ वगैरह लगा दिया है, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी थोड़ा सा ना इनका जंगल टाइप एरिया बना दूँ बीच में ना, अब पहले तो ये देखना पड़ेगा भाई ये वाला पेड़ ना शेर को हमारे पसंद आता है नहीं आता, तो भाई शेर पे जाओ क्लिक करो और यहाँ पे जाओ और ये चेक कर लो भाई आ रहा है भाई बढ़िया पसंद आ रहा है भाई शेर को। तो भाई ये वाला पेड़ भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे प्रॉपर, तो ये वाला पेड़ लगाते हैं, तो ये वाला पेड़ हम यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे लगा देता हूँ ये वाला पेड़ ना, ये मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा दिखने में ना। तो देखो भाई ऐसे मैंने पूरा चारों तरफ ऐसे पेड़ लगा दिए वाले, इससे क्या होगा ना भाई थोड़ा सा ना हमारा जो शेर है ना वो थोड़े से मतलब उनको छुपने की जगह ही मिल जाएगी, सोशल इन्वायरमेंट से बचे रहेंगे थोड़े थोड़े, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और ये इतनी ऊंचाई से लोग देख ही रहे हैं, तो ये देखो मस्त लग रहा है इनका, ऐसा लग रहा है कुछ स्पेस है यहाँ पे कोई बढ़िया सा अलग तरीके का, तो उस हिसाब से भाई बढ़िया लग रहा है ये देखने में ना। और यहाँ पे पूरे में पानी हो ही गया है, और ये थोड़ा सा ऐसा एरिया हो गया, और भाई देखो हमारा भाई लो इन वाला भाई बढ़िया चल गया भाई, यहाँ पे चार चार लो इन भी हुए हैं भाई हमारे पास, दो बड़े बड़े और एक दो छोटे छोटे लाइन्स आ गए, एंड भाई उधर एडवर्क का दिखा दूँ तो भाई एडवर्क भी भाई भाई ओ भाई भीड़ देखो भाई कितनी हो गई भाई हमारे इसमें जू के अंदर, और भाई एडवर्क दिखा दूँ तो एडवर्क का ही बढ़िया चल रहा है भाई सीन देखो, ये रहे हमारे एक एडवर्क के रहा और दो एडवर्क के रहे भाई, इनका ही बढ़िया चल रहा है ठीक है, काफ़ी सही सीन चल रहा है इनका, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी देखो भाई काफ़ी सही है हमारा जू काम कर रहा है, और भाई आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।